वालेकुम व्यूवर्स, चलें आज आपको मैं सुपीरियर का जो है ना, मैं आपको कवर करता हूँ। एक घर वहाँ पे बना है फिनिश, उस घर को देखते हैं कि कैसा बनाया है कॉन्ट्रैक्टर ने और मालिक ने, उस घर को कवर करते हैं। मैं अपने घर से आज मैं आपको दिखाता हूँ सुपीरियर किस तरीके से बनाया है सुपीरियर और कैसा घर है वो। और वहाँ पे सुना है फैमिली भी शिफ्ट हो गई है, तो ये मैं जा रहा हूँ अभी एक्सटेंशन के सामने से, सुपीरियर एग्जीक्यूटिव से सुपीरियर एक्सटेंशन के सामने मेरा घर है। अब मैं यहाँ से जा रहा हूँ सुपीरियर की तरफ। आइए व्यूवर्स, ये एग्जीक्यूटिव ब्लॉक है और ये सुपीरियर का पार्क है। ये देखें, आपको नज़र आ रहा होगा, और ये रोशन टावर है जो इनका प्रोजेक्ट है सुपीरियर एक्सटेंशन के अंदर। और अब हम जा रहे हैं सुपीरियर की तरफ। ये सुपीरियर के मोड़ पर हम पहुंच गए हैं, ये कंस्ट्रक्शन हो रही है। और ये सुपीरियर जो कि नॉर्थ टाउन फेज़ 1 के अंदर हमारा बना हुआ है, ये सामने इनके फ्लैट्स वगैरह और ये सारी स्ट्रीट्स वगैरह हैं जो फ्लैट्स के नीचे हैं। और ये सुपीरियर में एक ये फ्लैट भी बन रहा है, कमर्शियल है ये जगह, ये जहाँ पर हम जा रहे हैं। और अभी हम अंदर जाते हैं, देखते हैं कि जो घर बना हुआ है फिनिश जहाँ पर फैमिली आ गई है वो शिफ्ट हुए हैं और उनके घर को कैसा बनाया गया है। यहाँ पर हम लोग आ गए हैं सुपीरियर के अंदर, और ये घर है वो जिसको मैंने कवर करना है, जहाँ पे लारेब साहब रहते हैं। बहुत अच्छे भाई हैं, प्यारे भाई हैं माशाल्लाह। ये इनका घर है और ये देखें, इसको अब हम कवर करते हैं, इनसे पूछते हैं क्या पोजीशन है, फिर अंदर चलते हैं, इस घर का पूरी डिस्क्रिप्शन लेते हैं कि इस घर में क्या क्या स्पेसिफिकेशंस। और व्यूवर्स ये देखें, ये हम खड़े हैं सुपीरियर के अंदर। एक सुपीरियर जो इस वक्त इनका मेन है एंट्रेंस, आपका एंटर होते के साथ ही नॉर्थ टाउन के अंदर ये देखें बेहतरीन, यहाँ पर पहला बैंगलो इस वक्त फिनिश हो चुका है और दूसरा बैंगलो का स्ट्रक्चर खड़ा हुआ। वो यहाँ से आपको फ्लैट्स नज़र आ रहे होंगे जो रोड से नज़र आते हैं, बाबा मोड़ से भी नज़र आते हैं जब यहाँ पर लाइटें जलती हैं। ये वही वाले फ्लैट हैं, जैसे ही आप एंटर होते हैं ये साइमा की दीवार चल रही है। ये देखें आप व्यूवर्स, ये बिल्कुल सामने साइमा है, ये साइमा की मस्जिद आ गई है। चौक के साथ सीधे हाथ पे जो मूर्ति के ब्लॉक आता है इनका, ये साइमा की वो मस्जिद है। इसको फिर हम आपको छत से भी दिखाएंगे इंशाल्लाह ताला। अभी ये कि हम इस घर को फिनिश हो गया माशाल्लाह, मुझे तो बड़ी खुशी हुई है कि पहली बुनियाद तक, और माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त एलिवेशन आया है। देखें क्या कॉम्बिनेशन किया है कलर का इन्होंने, सिंगल स्टोरी ये घर है, अभी ग्राउंड घर है ये, और बहुत ज़बरदस्त। अब इसके अंदर चल के देखते हैं। ये देखें माशाल्लाह इन्होंने टेपर वगैरह सीढ़ियाँ वगैरह कैसी ज़बरदस्त कवर करी हैं। ये क्यारी का पोर्शन है, और ये देखें व्यूवर्स, ये देखें, ये अब अंदर आ रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और ये यहाँ थोड़ा सा कलर अभी ताज़ा हुआ है, तो इससे बचते हुए हम अंदर आ गए हैं। क्या ज़बरदस्त साइज़ निकाला है माशाल्लाह। ये देखें आप, ये सीढ़ियाँ देखें जैसे ऊपर जा रही हैं घर के अंदर से भी। अगर ये किराए पे अगर ऊपर पोर्शन बनाते हैं तो इनको कोई परेशानी नहीं है, इसको सेपरेट करने के बाद ये आराम से यहाँ पर जालियाँ वगैरह लगाकर इसको कवर कर सकते हैं। और ऊपर का पोर्शन बिल्कुल सेपरेट किया हुआ है इन्होंने। और ये इन्होंने ये इनका कार पहुँचे आराम से यहाँ पर, कल्टा साल्टो VXR गाड़ी आराम से यहाँ पर आ जाएगी। ये आप देखें व्यूवर्स, बिल्कुल फिनिशिंग पर चल रहा है, इसको आखिरी टच चल रहा है बिल्कुल घर का ना। क्या ज़बरदस्त प्लास्टर वगैरह का सिस्टम है। ये देखें व्यूवर्स, कलर देखें कितना ज़बरदस्त चूज़ किया इन्होंने माशाल्लाह। ये घर देखें आप, ये डबल डोर का इन्होंने दरवाज़ा दिया है, और ये इसके नीचे इन्होंने वॉशरूम देखें माशाल्लाह, क्या ज़बरदस्त साइज़ का इन्होंने वॉशरूम बनाया है। ये देखें आप, स्टेयर्स के नीचे वॉशरूम है, ये कॉमन वॉशरूम है गैस वगैरह के लिए। तो लारे भाई हम कहाँ से, यहाँ से एंटर, ये हमारा एंट्रेंस है, और ये लिविंग रूम आ गया माशाल्लाह। ये देखें, ये फ्लोर टाइल देखें आप माशाल्लाह, ये देखें ज़बरदस्त ज़बरदस्त, वाह यार दिल खुश कर दिया। कोई दीवार नहीं है बीच में, कोई वॉल नहीं है, बिल्कुल ओपन कर दिया। यहाँ पे रेले लग जाएगी, बर्तों की बेहतरीन कवर कर लेगा ये पार्टी जिसका ये घर है माशाल्लाह। बहुत ही ज़बरदस्त माशाल्लाह, बहुत आइडियल घर बनाया है ये। और बिल्कुल यहाँ पर डाइनिंग टेबल वगैरह का सिस्टम लग सकता है, यहाँ पर टीवी लग सकता है बेहतरीन जिस तरीके से। ओहो हो, किचन तो देखें माशाल्लाह, फुल MDF यूज़ किया हुआ है, एक्रेलिक किचन बनाया है माशाल्लाह। ओहो हो हो, ज़बरदस्त ज़बरदस्त व्यूवर्स, ये देखें। बस अब लोग आ रहे हैं, अब बुनियाद पड़ गई है, बिस्मिल्लाह हो गई है। ये सुपीरियर का 120 गज है बॉस, 120 गज है ये माशाल्लाह माशाल्लाह। क्या नंबर है बॉस इस प्लॉट का? 1652। आपका नाम? मैं लारेब। लारेब भाई आपने खुद बनाया था ये या जी आपने ठेके पे दिया? ये हम लोगों ने असल में मटेरियल अपना था और लेबर जो थी वो ठेके पे। अच्छा, गुड हो गया। तो टोटल कॉस्ट जमीन की कितनी की पड़ी थी आपको? जमीन की कॉस्ट 36 पे बुकिंग पे लिया था हम लोगों ने, डेवलपमेंट वगैरह इसकी
एक्सक्लूडेड थी उसमें, और इसके अलावा कंस्ट्रक्शन जो थी वो थी कंस्ट्रक्शन, यानी कि आपने जो पहले आपने इसका क्या नंबर बताया प्लॉट का, 1652 आपका है, ठीक है, और इस पर टोटल लैंड कॉस्ट कितनी आई आपकी? लैंड कॉस्ट 36 आई है इंस्टॉलमेंट पे, डेवलपमेंट उसमें इंक्लूडेड नहीं है, वो एक्सक्लूडेड है, वो अलग से, यानी टोटल आपकी 5 लाख 6 लाख की आपकी वो भी आई होगी, तो टोटल आपको 45 का खाली आपको लैंड कॉस्ट पड़ी है SBCA वगैरह सब मिलाकर। ये लीज है या अभी बिल्डर फाइल है? अभी लीज नहीं है, बिल्डर फाइल है इसकी, हम लोग इंस्टॉलमेंट भी चल रही है, पोजेशन हम लोगों को अभी मिल चुका है इसका, ठीक है, अभी 80% हुई है इसकी पेमेंट, ठीक है, गुड गुड यार दारिफ भाई, माशाल्लाह बहुत मुबारक हो, अल्लाह आपको बरकत नसीब करे इंशाल्लाह, माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त, ये देखिए मास्टर बेड इनका निकला है, बेहतरीन इन्होंने ये बेड बनाया है, बेडरूम है ये इनका, और बिल्कुल ये बराबर में भी इनका एज इट इज़ है, पर उसमें फैमिली है तो ठीक है, दारे कोई मशू नहीं है, कोई डिफरेंट तो नहीं है ना, ऐसे ही है ना सेम, अच्छा थोड़ा सा तो व्यूवर्स माशाल्लाह, इनकी शिफ्टिंग भी हो गई है, सिर्फ फिनिशिंग नहीं है, इनकी शिफ्टिंग भी हो गई है, ये देखें इनके अभी सामान इनका बिखरा हुआ है, पर मैं समझता हूँ कि ये इस वक्त बहुत हैप्पी हैं, बहुत खुश हैं, क्योंकि हर बंदा अपने घर में आता है तो उसका उसकी जो एक्साइटिंग होती है वो बहुत अलग होती है, तो ये माशाल्लाह बहुत इस वक्त खुशनसीब लोग हैं जो अपने अपने घरों में आ रहे हैं और अपना घर बना रहे हैं। ये देखें किचन के अंदर इन्होंने वो लगाया हुआ है, टर्बो लगाया है माशाल्लाह, ये देखें ज़बरदस्त हीट सिंक इसके ऊपर लग जाएगी, और ये इनका ये ज़बरदस्त फिटिंग के साथ इनका ये चूल्हा है, और देखें ज़बरदस्त ये फुल फ्लोर टाइल इन्होंने लगाया है, ज़बरदस्त ज़बरदस्त, दिल खुश हो गया, खुला डुला, कोई सफोकेशन नहीं है घर के अंदर, बिल्कुल ओपन प्लेस है, ओपन बिल्कुल खुला। देखो व्यूअर्स ये देखें, ये इनका बेडरूम है, इनका सामान शिफ्ट हो चुका है यहाँ पर, ये इन्होंने देखें ज़बरदस्त ऊपर इन्होंने कंसील्ड अलमारी बनाई है, और इसके ऊपर इन्होंने कंसील्ड दो छती भी बना दी है, जो कि महसूस नहीं हो रही है, अलमारी शेल्फ वगैरह ख़रीदने की लेके रखने की ज़रूरत ही नहीं है, जगह घिरते हैं, कमरे का साइज़ छोटा कर देती हैं ये चीज़ें, ये आप कमरे का साइज़ देखें माशाल्लाह ज़बरदस्त कमरे का साइज़ है, और ये इनका वाशरूम है अटैच बाथ, इन्होंने खाली इसी रूम में दिया है, और वाले रूम में आपने देखा व्यूवर्स के वहाँ पर वाशरूम नहीं दिया इन्होंने, ये देखें आप ज़बरदस्त वाशरूम है, इसके अंदर कमोड वगैरह लगा कर इंस्टॉल किया इन्होंने, और ये देखें इस पर छोटी सी डग भी निकाली हुई है, तो माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त है, ये सुपीरियर का पहला घर है जो इस वक्त रेडी टू पोजीशन है, और इस पर फैमिली आ भी चुकी है, और ये अब इंशाल्लाह सेट करेंगे और अपनी हैप्पी लाइफ गुजारेंगे। तो व्यूवर्स अब हम ऊपर छत की तरफ चलते हैं और देखते हैं कि छत से कैसा व्यू नज़र आता है सुपीरियर का। ये इनका स्टेट से मैं ऊपर जा रहा हूँ, और ये देखें ये माशाल्लाह ज़बरदस्त इन्होंने छत को कवर किया है इन्होंने, बेहतरीन यार बेहतरीन, लोग तो यार यकीन माने, अब बाकी मैं ये जो चीज़ है ना, ये बिल्डर को डायरेक्ट हिट कर रही है, जो उसको दुआएं जो उसको तरक्की दे रही है ना, ये चीज़ उसको हिट कर रही है, उसकी तरक्की का मेन रीज़न ही यही है। 50% पेमेंट के ऊपर कौन किसी को घर देता है, इसने 50% पेमेंट के ऊपर लोगों को घर दे दिया यार बिल्डर ने, जान लेंगे क्या आप, सोसाइटी बनने के बाद डेवलप होने के बाद वॉल लगने के बाद भी कोई तकरीबन बिल्डर आप समझें कि 4-5 साल के बाद पोजीशन देता है। अगर आप दूसरी सोसाइटी देख लें तो वहाँ पर आपको अंदाज़ा होगा कि अभी तक उन्होंने पोजीशन नहीं दिया। ये देखें ये टिड्डा, खूबसूरत टिड्डा, ये भी चीज़ आपको देखने को मिलेगी, एक खूबसूरत टिड्डा, ये देखें आप क्या ब्यूटीफुल टिड्डा है ये। तो यहाँ पर ये सब चीज़ें हैं माशाल्लाह आपको मिलेंगी, ये बराबर का प्लॉट है देखें, इसमें ये पूरा सुपीरियर है, पहला ब्लॉक है इनका, ये बेहतरीन ब्लॉक है, एंटर के साथ बिल्कुल आप जी मेन रोड से एंटर होंगे, 200 फीट रोड से एंटर जैसे ही होंगे, लेफ्ट साइड के ऊपर फ्लैटों के बैक साइड पे ये मस्जिद है दाऊद, GFS की बिल्डिंग, ये बिल्कुल ये इसके साथ ही ये एक ये मल्टी फ्लैट्स बन रहे हैं, ये देखें व्यूवर्स, ये देखें सुपीरियर को कवर करते हुए अगर हम देखें अपने ओल्ड ब्लॉक को और एग्जीक्यूटिव को, तो यहाँ से उसकी भी कंस्ट्रक्शन नज़र आती है, देखें व्यूवर्स ये देखें गलियाँ, देखें 30-30 फीट की गलियाँ दी हैं, किसी किस्म की कोई आर्ग्यूमेंट होनी नहीं चाहिए अलॉटीज़ को। ये सायमा का व्यू देखें, सायमा की वॉल चल रही है, ये देखें व्यूवर्स बिल्कुल सायमा का पहला ब्लॉक राइट हैंड का उसके बैक साइड वाला पोर्शन है, ये बहुत ही ज़बरदस्त माशाल्लाह ज़बरदस्त। छत का साइज़ देखें क्या बेहतरीन साइज़ निकला है, आराम से इन्होंने ये देखें अमरेली सरिया यूज़ किया हुआ है यहाँ पर भी, और ये आधे का सरिया इन्होंने फुल गेज का सरिया यूज़ किया हुआ है। अभी इसको आराम से इसी तरीके से ये ऊपर लेके चले जाएंगे, और फिर ऊपर का फ्लोर भी इनका रेडी हो जाएगा, और फिर ये है मेरा मोटिव, ये है मेरा मकसद कि आएँ आकर इनिशिएटिव लें, बिस्मिल्लाह करें, अपना घर बनाएं, शुरुआत करें, और हमें हौसला दें, मुझे हौसला दें। तो व्यूवर्स ये सब वीडियो बनाने का मकसद ही मेरा ये है कि आप लोगों के आने से हमारी सोसाइटी ग्रो करेगी,
हमारे हमें हौसला मिलेगा। सेकंड लास्ट रॉ के बाद जो है बिल्कुल दीवार चल रही है सायमा की। लेकिन इनका इरादा है, इन्होंने जो है ये टेम्परेरी तौर पे ये टंकी रख ली है, शायद ये ऊपर जब अपना टावर टैंक बनाएंगे, टावर बनाएंगे तो उस पर भी ये टावर टंकी कवर करेंगे। तो ये भी देखें किचन का इन्होंने, बाथरूम का इन्होंने सिस्टम बनाया हुआ है, ये डेप्थ करा हुआ है, यहाँ पर यूँ किया हुआ है कि यहाँ पर पाइपिंग आ जाएगी तो ये सब इनका बाथरूम बनेगा, नीचे का जैसे ऊपर का जैसे इस तरीके से ये इसको कवर कर जाएंगे। तो व्यूवर्स कैसा लगा अपने कमेंट्स के अंदर ज़रूर मुझे राय दीजिएगा, मेरी हौसला अफजाई करिएगा ताकि मैं मज़ीद आप लोगों के लिए इस तरह खूबसूरत खूबसूरत विलास को कवर करके बनाता रहूँ। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स।